अरे क्या हुआ, आज तुम बहुत परेशान लग रही हो। हाँ बहुत परेशान हूँ मैं। अरे हुआ क्या, अपनी प्रॉब्लम तो बताओ। जब तक प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। यार मैं क्या बताऊँ, तुम्हें पता है ना मुझे इंग्लिश नहीं आती। अरे हाँ। उसकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। मेरे को तो मतलब ये भी समझ नहीं आता कि मैं अपना जो फीलिंग्स हैं वो कैसे किसी को बताऊँ, कैसे अपनी बात किसी के आगे रखूँ। और मार्केट में जब मैं जाती हूँ ना बहुत मुश्किल आती है मुझे। अरे आपको पता है कि मेरे को तो मतलब जो डेली यूज वाले सेंटेंस होते वो भी नहीं मुझे बात करने आते, वो भी नहीं मुझे बोलने आते। अरे इतनी सी प्रॉब्लम, एड सेक्टर इंटरनेशनल एक न्यू वीडियो बनाई तो है डेली यूज सेंटेंसेस के लिए। अच्छा, अरे हाँ कहाँ कहाँ गुम हो आप सच में। अरे आपने एड सेक्टर इंटरनेशनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गया? सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन दबाओगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि वीडियोस जो है वो अपलोड हो रही हैं। रियली? यस। एंड जिस प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हो वो प्रॉब्लम्स हमारे व्यूअर्स भी बहुत सारे फेस करते हैं। अरे वाह, ये तो मुझे बड़ा अच्छा सलूशन दे दिया। तो ये कहाँ मिलेगी मुझे वीडियो, पहले ये बता। अरे ये आपको यूट्यूब में मिलेगी, ये वीडियो आपको इंस्टाग्राम में मिलेगी, आपको फेसबुक में मिलेगी एट सेक्टर इंटरनेशनल के नेम से। एंड ये चीज आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बिल्ड करने वाली है। और आपको पता है यही एक चीज है मुझे लगता है कि मुझे सीखने की जरूरत है। अब जल्दी से बिना किसी फर्दर मतलब आप डिले से तो मुझे ले चलो फिर वहाँ पे जल्दी जल्दी। सो आप देखना चाहते हैं ना? हाँ, आप लोग देखना चाहते हैं क्या? Yes. So, let's begin. Sonia, are you dozing in the class? No, ma'am, no. No yes, you are dozing. No, ma'am, no, I'm not. Do your work. Don't doze in the class. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sir, gaye. Wow, sir, chale gaye. Kuch khane chale? Haan, haan, zarur, zarur, khane chalte hain. Chalo, phir chalte hain. Tum kis liye intezaar kar rahe ho? Arey, intezaar. Isko band karo. Wo sab to theek hai, but I am out of pocket today. Matlab? अंग्रेजी नहीं आती क्या? नहीं, इंग्लिश नहीं आती इनको? नहीं, आउट ऑफ पॉकेट। पॉकेट का मतलब होता है मेरे जेब में पैसे ही नहीं है। हाँ? हाँ? पैसे नहीं है, आज पैसे नहीं है। क्या यार आज कुछ करने को नहीं है, क्या करें? सच में आज बहुत बोरिंग दिन है। इट्स टू बोरिंग। अच्छा इधर आओ, ये देखो ये देखो क्या है, पागल है लोग, इतनी ठंड पड़ रही है। सच में सच में शी इज वेयरिंग स्कर्ट एंड दैट बॉय इज वेयरिंग निकर। पीछे 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 वो देखो वो देखो। ज्यादा गर्मी आ गई, अभी तो मौसम इतना भी नहीं बदला। मुझे ये बताओ कि इतनी ठंड पड़ रही है तो फुल स्लीव्स पहनना चाहिए, ये लोग पागल है मतलब। व्हाट हैपेंड टू देम? जस्ट वन मिनट। अरे वो देखो वो देखो। अरे वो बाद में देखना, पहले ये देखो कि यू योरसेल्फ आर वेयरिंग हाफ स्लीव। सी आई एम आल्सो वेयरिंग हाफ स्लीव। तो आई थिंक ये कहना बिल्कुल गलत है, बिकॉज इंग्लिश में एक फेमस फ्रेज है जिसका मतलब ये है, जो ये कहता है डोंट पिक होल इन अदर्स कोट्स, मतलब दूसरों में गलती मत निकालो। सिंस इन इंग्लिश डोंट पिक होल्स इन अदर्स कोट्स, तो आप भी प्लीज दूसरों के कोट में एक छेद मत निकालो। सो बिल्कुल बोले बोले। तो कभी भी दूसरों में गलती मत निकालिए, शायद आप में भी ये गलती हो सकती है। जैसे हम दूसरों की गलती निकाल रहे हैं कि उन्होंने स्लीवलेस डाला, स्कर्ट्स पहनी, निकर्स पहनी, अभी मौसम में इतना बदला नहीं, हमने क्या पहना है। सो इट मींस कि जिप बंद, मतलब वी डोंट हैव टू पिक होल्स इन अदर्स स्कर्ट, राइट? यस। कॉपी कर रहे हैं? नो, मैं आपकी कॉपी बिल्कुल नहीं कर रही। आप मुझे कॉपी कर रहे हैं, मेरी नकल उतार
डोंट इमिटेट, इमिटेट से नो इमिटेट का मतलब, इमिटेट का मतलब नकल उतारना, आप मेरी नकल उतार रहे हैं। ओ इमिटेट, तुम मुझे इमिटेट मत करो प्लीज। नो आई एम नॉट, यू आर इमिटेटिंग मी। वाओ दैट्स क्वाइट बैड, डोंट इमिटेट मी प्लीज। नो आई विल नॉट। मुझे लगता है ऑफिस में कोई आया। सॉरी मैम, सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी मैम। मैम वो एक्चुअली ये क्या हो रहा था? मैम वो एक्चुअली मेरे, हाँ मेरे पैसे गुम गए थे, यहाँ पे गुम गए थे, यहीं गुम गए थे। मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि आप यहाँ पे झांका मत करो, हिंदी में समझ नहीं आता क्या? नहीं मैम सॉरी, इंग्लिश में आगे से नहीं हो। स्टॉप पीपिंग। अच्छा पीपिंग का मतलब झांकना? हाँ आप झांक ही रहे थे ना, पीपिंग का मतलब झांकना ही होता है, सो प्लीज स्टॉप पीपिंग। ठीक है मैम, मैं आगे से पीप बिल्कुल नहीं करूंगी। नाउ गो बैक टू योर सीट। थैंक यू मैम। अरे यार तुझे पता है क्या, तुझे पता वो जो हमारा फ्रेंड था वो क्या नाम था उसका? हाँ तुझे पता उसकी शादी हो गई है। किसकी? वही वही जो हमारा बचपन का दोस्त है। बचपन के दोस्त तो सारे थे। चल गैस कर, मैं तुझे बताती हूँ। हर रोज स्कूल में बंक में रहता था। ओके वो रमेश? नहीं रमेश नहीं। अच्छा? वो जिसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी। ओके ओके फाइन, हुसैन? अरे नहीं बाबा हुसैन नहीं, वही जिसके पास हमेशा कोई ना कोई नया बहाना होता था। बहाना तो आपके पास भी बहुत होता है। नहीं मेरी बात नहीं, और वो जो बहुत 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 ज्यादा बोलता था। ओके ओके फाइन, राहुल? अरे बाबा राहुल भी नहीं। हाँ। मैं कैसे बताऊँ आपको, वही जो हमेशा पार्टी में करता था, और मतलब हमारी पार्टी में ज्वाइन करता था लेकिन पैसे कभी नहीं देता। अरे आप इधर उधर क्यों हांक रहे हो, मुझे मुद्दे पे आओ ना, मुझे बताओ किसने शादी की? आप तो रही हूँ इधर उधर की, नहीं हांक रही, आई एम नॉट बीटिंग अबाउट द बुश, बल्कि मैं आपको बता रही हूँ कि आप गेस करो। अरे यू आर बीटिंग अबाउट द बुश, मुझे तो समझ नहीं लग रहा, मैंने कितने नाम ले लिए, राहुल हुसैन पता नहीं कितने नाम, देखो मैंने कितने ऑप्शन दे दिए। आपका नाम भी हमेशा बंक करता था, इतनी बातें करता था, इतनी गर्लफ्रेंड थी, पैसे कभी नहीं देता था, बहाने उसके नंबर वन होते थे, अब भी नहीं आप गेस कर पा रहे? नहीं गेस हो रहा, मुझे नहीं याद आ रहा, इट्स बीन लॉन्ग टाइम। डोंट बीट अबाउट द बुश, आई एम नॉट बीटिंग अबाउट द बुश, मैं इधर उधर की नहीं हांक रही, मैं तो ये बस, चलो मैं बता, चलो चलो बताए। उसका नाम था रोहन। ओ माय गॉड, रोहन तो मुझे याद ही नहीं आया। चलो रोहन की शादी हो गई है, चल गया। बट यू वर रियली बीटिंग अबाउट द बुश। नो आई वाज नॉट, यू वर, आई वाज नॉट। हां मैं यार मैं सेकंड तो आ गई हूं, बट ओ आई एम सॉरी या एक मिनट होल्ड करना था। एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज मूव, मतलब कि तुसी पीछे हट सकते हो? ओ हाँ जरूर जी, तुसी नंगो। ठीक है शुक्रिया। ओके वेल वेल वेल, दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, बिकॉज वी हैव ट्राइड न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग व्हिच इज रियली एंजॉयफुल। वेट वेट वेट, मेरे बिना ही एंड। आ जाओ आप भी, आ जाओ बात कर ले इनके साथ। सो आप पहले आप मुझे बताओ ये वीडियो कैसी लगी, बिकॉज वी पीपल आर वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। आप अपने कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो में कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज इफ यू वांट मोर वीडियो लाइक दिस तो हमें जरूर बताएं। एंड इट ऑब्वियसली टुक लॉट ऑफ एफर्ट्स, एंड ये सब आप लोगों के लिए किया हमने, वी टुक आउट द टाइम, हमने सब कुछ किया जस्ट फॉर यू पीपल। तो अब आपका काम क्या है कि जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स करें। एंड इवन आई ट्राइड अ न्यू हेयर स्टाइल फॉर यू पीपल, इट वॉज़न्ट सो इजी फॉर मी इन द बिगिनिंग, बट आई ट्राइड जस्ट फॉर यू पीपल। सो आई वॉन्ट यू कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड बाय बाय, सी या, बाय बाय।